तो वाटर यार भी बहुत अच्छा लगा, टाउन चला जाएगा। ओ आफ्टरनून, वेलकम टू माय चैनल मस्त लाइफ, अमित कुमार। और आज का वेदर भी सुहाना है, और चलो चलते हैं आज कलंगुट बीच और चलकर थोड़ा मजा करते हैं कलंगुट बीच। और आज का वेदर मैं यही विश करूंगा कि आज के वेदर इसी तरह रहे, थोड़ा स्वेटिंग का प्रॉब्लम तो हो जाएगा मगर आज मजा आ जाएगा इस धूप में कलंगुट बीच देखने का। चलते हैं आप, और आप देख लो हमारे पीछे, अगर आप गोवा में आ रहे हो और आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और आप रेंट पर बाइक लेकर सोच रहे हो कि चले एक जगह दूसरे जगह, तो प्लीज़ आप विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस आप गाड़ी मत चलाना। जगह से दूसरे जगह जाने के लिए आप बस का यूज कर सकते हो, उससे आपका क्या होगा, जो एक्सपेंस होगा थोड़ा कम हो जाएगा। और अगर दो दिन तीन दिन के लिए आए हो तो आप रेंट पे बाइक ले लेना, उससे आपको बहुत इजी होगा एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, और बस मैप के सहारा से आप कहीं भी जा सकते हो गोवा में। कलंगुट बीच जो गोवा का बेस्ट बीच तो नहीं कह सकते मगर आई वुड से वन थिंग कि मोस्ट क्राउडेड बीच, और यहाँ पर थाउजेंड, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो फॉरेनर हो, सभी आते हैं इस बीच पर आकर मजा करते हैं, क्योंकि इस बीच पर आने के लिए बहुत इजी है। अगर आप बागा जाते हो तो बागा से पहले कलंगुट पड़ता है, या बीच की तरफ जाते हो तो आप देख लो रेंटल पर आपको बाइक भी यहाँ से आपको मिल जाएगा, वो जो प्राइस लगेंगे 500 रुपीज़ तक, और आप पूरे गोवा का 24 घंटा में पूरा एक्सप्लोर कर लेना यार, और आपको पता चल जाएगा गोवा दिखता कैसा है। और अगर कुछ और भी जानना चाहते हो गोवा के बारे में यार, तो कुछ नहीं, हमारे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना मस्त लाइफ अमित कुमार गोवा, और आपको सारा इन्फॉर्मेशन मैं वहां पर पर्सनली दे दूंगा। टू व्हीलर और फोर व्हीलर्स अगर आप आते हो तो अपने गाड़ी को पार्क कर लेना, उसके बाद जैसे ही जब आप अंदर में आते हो तो कुछ इस तरह से दिखता है नज़ारा, और आप पीछे में देख सकते हो बीच जहाँ पर मैं आपको अभी लेकर चलने वाला हूँ और करने वाला हूँ फुल मस्ती। तो चलो आपको थोड़ा यहाँ का एक छोटा सा क्लिप देता हूँ ताकि आपको भी आइडिया मिल जाए कलंगुट बीच जब जाओगे तो कैसा दिखता है जैसे ही जब आप एंट्री लेते हो। तो इस बीच पर अगर आप आना चाहते हो भाई तो आप कभी भी आ सकते हो, मॉर्निंग 7 से इवनिंग मतलब नाइट 12 बजे तक आप आके इस बीच का एक आनंद उठा सकते हो, हर चीज़ खुला मिलेगा और इस बीच पर आने का मज़ा ही कुछ और है। हाँ, ये बीच थोड़ा ज़्यादा क्राउडेड है पूरा, मतलब लोग ज़्यादा इस बीच पर आना पसंद करते हैं, मगर आप इस बीच पर एक बार तो ज़रूर आना अगर आप गोवा में आ रहे हो तो। और इस बीच का कुछ इस तरह से नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। और चलो आगे चलते हो भाई, देखते हैं। और आज अगस्त ही चल रहा है, अभी सीज़न स्टार्ट हुए नहीं है, फिर भी आप देख लो इतने लोग आपको हमेशा इस जगह पर मिलते हैं। अगर सोचो अगर सीज़न में अगर आप आते हो नवंबर और दिसंबर में यार, तो यहाँ पर तो लोग आपको बहुत देखने को मिलेंगे यार, और मज़ा आ जाएगा। और अगल बगल बहुत सारे क्लब भी, वहाँ भी जाकर आप मज़ा कर सकते हो, लोग देख रहे हैं, चलो मज़ा लेते हैं। थोड़ा और आगे चलते और देखो आसपास में इस तरह का शॉपिंग भी कर सकते हो, और अपने लिए कूल टी शर्ट और सन ग्लासेस यहाँ से ले सकते हो, आप यहाँ पर टैटू भी इंक करा सकते हो। तो चलो फाइनली पहुँच चुके हैं बीच के तरफ, चलो आगे चलते थोड़ा सा और आगे और लेते हैं पूरा बीच का एक्सप्लोर करते हैं, मैं भी करता हूँ और आप हमारे साथ करो, और देखते हैं आज का दिन है क्या। कलंगुट बीच पर अपने दो भाई से मिले जो लोग हैदराबाद से हैं, आपको कैसा लगा गोवा बॉस? सुपर। तो मैं भी गया था अभी हैदराबाद, उसका वीडियो मैं अपने चैनल पर डाला है और आपको मिलता रहेगा, हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं ये। चलो फिर मिलते हैं कहीं ना कहीं, थैंक यू ब्रदर। तो यहीं पर अभी आ रहा था कलंगुट बीच और भाई साहब मिल गए हैदराबाद, बताया कि मैंने भी अभी हैदराबाद गया था, और ये देख लो है बीच, लवली बीच। चलो और मैं बता दूँ अभी ऑफ सीजन में आप देख लो कितने लोग हैं, मतलब ऑफ सीजन तो आप बता नहीं सकते क्योंकि सैक हर चीज़ अब चालू हो चुका है गोवा में। आप देख लो इधर पहले जैसा नहीं रहा, जैसे आपको जून जुलाई में था, देख लो कलंगुट बीच कितने लोग मज़े कर रहे, तो मैं भी उनमें शामिल होकर अब मज़ा करने वाला हूँ, और आप हमारे फैमिली मेम्बर हो तो आप भी आज मज़ा करने वाले हो। और देखो सारे अम्ब्रेले खुल चुके हैं, मतलब सीजन स्टार्ट हो चुके हैं अगस्त में, और सितंबर अक्टूबर में तो इतने मज़े करने वाले हैं हम लोग दोनों, पूरे गोवा का एक्सप्लोर करेंगे, हर जगह जाएंगे गोवा में।
जहाँ पर जाने लायक है, जहाँ पर आप जाना चाहते हो। अभी का जो वेव है ना, अगर आप देखोगे तो मज़ा आ जाएगा भाई। अगर फर्स्ट टाइम अगर आप हमारे चैनल पर हो और इस तरह की वीडियो अगर आपको पसंद है, अगर हमारा जो भी वीडियो बनाता हो अगर पसंद आया तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर पसंद आया तो। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. इतना तगड़ा हुआ था कि आप देखो जितने भी लोग हैं सारे लोग जा चुके हैं। मतलब इतना खतरनाक अभी वेव आया था कि भाई मैं क्या बताऊं आपको। देखो जितने भी लोग थे सारे लोग साइड में जा चुके हैं और इधर भी देखो सारे लोग साइड में जा चुके हैं। मतलब आप बहुत खतरनाक है भाई। मतलब खतरनाक क्या, ओ हो, आज इससे थोड़ा बच के रहना होगा। अगर आप कलंगुट बीच पर आते हो तो कोशिश करना कि जितना दूरी हो सके मेंटेन करना, क्योंकि जब मैं यहाँ पर आया तो आपने देखा था कि सारे लोग आराम से मजे ले रहे थे, मगर जैसे ही ये वेव हावी हुआ सारे लोग जा चुके हैं पीछे। और ये देखो अभी का है नज़ारा, तो रियली बहुत मज़ा आया भाई। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. कलंगुट बीच में अगर अभी आप आते हो मानसून में तो कुछ इसी तरह का मजा आप लोगे जो लोग ले रहे हैं। अचानक वेव हाई हो रहा है और डाउन जा रहा है यार, तो रियली इसका मजा ही कुछ और था। हमने भी लिया और मैं बता दूं मैं पूरा वेट हो चुका हूं क्योंकि सिर्फ बैठकर मजे ले रहा था यार। अचानक वेव हाई हो गया और अभी भी लोग मजे ले रहे हैं और मैं सोचा चलो मुझे पूरा अच्छी तरह से कलंगुट बीच का मजा लेना है, इसलिए हम छोड़ दिए वो गलियां जहाँ पर लोग मजे ले रहे थे बीच पर। तो हम चल पड़े हैं अपने राह की तरफ और देखो यार। और रियली मानसून में जो लोग नहीं आना चाहते हैं, अगर आपको इस तरह का पसंद है वेब तो यार नेक्स्ट टाइम आप ज़रूर आना। और अभी भी आपके पास है एक मंथ, मतलब सितंबर लास्ट तक आपको वेब यहाँ पर इसी तरह मिलेगा और यहाँ का रौनक कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा हर जगह कलंगुट बीच पर, जिसका मैं दीदार एक्सप्लोर कर रहा हूँ। अगर आप भी करना चाहते हो तो कर लेना यार। और अगर आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना और एक दो वीडियो और देखना। अगर वो भी पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। और इसी तरह का वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलता रहेगा। गोवा का पूरा टूर इस तरह का मजा ले लेना। अगर इस बार छूट गया तो नेक्स्ट ईयर आ जाना यार और आकर मजा लेना। और देख लो लोग पूरे बिल्कुल पैक भरे हुए हैं। और कलंगुट बीच के बारे में मैं एक चीज़ और यहाँ पर बताना चाहूँगा, अगर आप कलंगुट बीच अगर सीजन में आते हो तो जितने भी सैक हैं वो सैक थोड़ा और आगे आ जाते हैं और पानी के लेवल थोड़ा और ये डाउन चला जाएगा। ओ अरे यार यार तो मैं ही डाउन आ गया। और देख लो मैं यहाँ पर खड़ा था और अचानक ये स्लाइड हो गया और मैं हो गया नीचे, पानी में आ गया। ओ हो अब तो मैं पूरा वेट हो गया भाई। तो यार बच के रहना, अगर कहीं भी अगर बीच पर जा रहे हो तो कोशिश करना कि थोड़ा अच्छे जगह सेफ जगह पर खड़ा रहना, अदरवाइज डायरेक्ट जाओगे नीचे और उसके बाद आपको भी मालूम है क्या होगा। बेस्ट खाने का अगर आप चाहते हो ईयर भाई अगर देखना चाहते हो तो आप आ जाना नवंबर दिसंबर में। अगर आप आते हो तो यार मैं बता दूं आपको ऐसा लगेगा इस बीच पर आकर कि आप कहीं जन्नत में आ चुके हो। जितने भी यहाँ पर स्नैक हैं सारे स्नैक पर कैंडल लाइट डिनर का मजा ले सकते हो अपने फ्रेंड फैमिली और रिलेटिव जिसके साथ भी अगर आप आते हो यहाँ पर, तो पूरा मजा लोगे, भरपूर मजा मिलेगा आपको यहाँ पर। और एक कलंगुट बीच जो है ना बॉस, पूरा हैप्पी, मतलब यहाँ पर आने के बाद जितने भी आपके गम है ना यार वो दूर हो जाते हैं और सिर्फ आपको एक लाइफ मिलता है, उस लाइफ का नाम है मस्त लाइफ।
वो अगर आप करना चाहते हो तो आप इस दीप पर जरूर आ जाना। इस तरह से दिखता है भाई, रियली एक बार तो आना बनता है भाई, बहुत सस्ता है गोवा घूमने के लिए। ऐसा करता हूँ कि आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो बिलो द कमेंट बॉक्स में जरूर जाके बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा और किस तरह का वीडियो आप देखना पसंद करते हो गोवा में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कहीं मस्त वाले बीच पर, और इसी तरह का मजा करने वाले हैं दोनों मिलकर। तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।